हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टास्क के क्लीनिंग एजेंट के बारे में कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कहां पर यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, उनका डाइल्यूशन क्या होता है, उनका कलर क्या होता है। सो गाइस, इन सब टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। गाइस, हम लोग इतने डिफरेंट टाइप के केमिकल्स क्यों यूज करते हैं? देखिए, किसी भी एक बड़े 5-स्टार होटल में बहुत बड़े कॉस्टली सामान यूज किए जाते हैं, बहुत बड़े कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। देखिए, किसी भी अगर मैं होटल्स की बात करता हूं तो उनका रेनोवेशन टाइम होता है 10 से 15 साल बाद, उनका वापस से उन सारे सामान को चेंज करते हैं, रेनोवेशन होता है, तो उन सब चीज को 10 से 15 साल तक उनको उतना जिंदा रखने के लिए वो साइन करते रहने चाहिए 10 से 15 साल तक। तो उन सब चीजों की लाइफ को बढ़ाने के लिए इन सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपके R1 से R9 तक के केमिकल्स, तो इसमें दो तरीके के केमिकल्स होते हैं। एक तो ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें हमको डाइल्यूशन करना पड़ता है, और एक ऐसे केमिकल होते हैं जिसको हम रेडी टू यूज होते हैं, उसको हम डायरेक्ट सर्फेस पे यूज कर सकते हैं। पहले जो केमिकल्स है उसमें R1, R2, R3, R7, R9, ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें 20-50 ml का इनका डाइल्यूशन होता है पर लीटर में, राइट। और मैं दूसरे केमिकल की बात करता हूं तो ये हैं R4, R5, R6, ये रेडी टू यूज हैं, इसमें एडिशनल कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सरफेस पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर ये जो केमिकल्स हैं ये कौन-कौन से सरफेस पे यूज किए जाएंगे, क्या यूज है इनका और कितना डाइल्यूशन होता है, कौन सा कलर होता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे R1 की, जो कि बाथरूम क्लीनर है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं आपके सिंक, बाथरूम के फ्लोर, बाथरूम के टाइल्स, उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे केमिकल की बात करते हैं तो ये है हमारा R2, जो कि एक ऑल पर्पज केमिकल है। इससे आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, आप इससे वेट मॉपिंग भी कर सकते हैं, इससे आप फर्नीचर क्लीनिंग भी कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, यहां पर ये आता है R3, जो कि एक ब्लू कलर का केमिकल है, और ये ग्लास क्लीनर। अगर मैं बात करता हूं आपके रेस्टोरेंट के ग्लासेस में, या फिर आपके जो आपके रूम में ग्लासेस रहते हैं, जितने भी आपके टीवी क्लीन करने के लिए है, तो इनमें सब में R3 का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर R4 की, तो ये R4 एक व्हाइट कलर का केमिकल है, जो कि एक स्पेशली फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए और साफ करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपके रूम के जितने भी फर्नीचर हैं, राइट, मैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो को पहले में बताया कि आपके जो भी फर्नीचर हैं उनको अगर मैं बात करता हूं तो 10 से 15 साल बाद रिनोवेट किया जाता है, तो इतने टाइम तक उनको जिंदा रखने के लिए, उनकी लाइफ को बनाए रखने के लिए लॉन्ग इनको केमिकल्स को यूज किया जाता है। और R4 होता है आपका व्हाइट कलर का, जो कि आपका एक फर्नीचर पॉलिश है। और दूसरी बात करते हैं हमारे यहां पर हाउसकीपिंग के सबसे फेवरेट क्लीनिंग एजेंट का, ये है R5, जो कि एक एयर फ्रेशनर है, जो कि अगर मैं बात करूं आपके कॉरिडोर, लॉबी, आपके रूम, अगर ऐसे कोई स्पेशली रूम जहां पर से कोई स्मेल आ रही हो, उसको स्मेल को गायब करने के लिए ये R5 का यूज किया जाता है। बट R5 को यूज करने के थोड़े से यहां पर डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप R5 को डायरेक्ट किसी कर्टन में या फिर पिलो में मारते हैं तो वो पिंक कलर का होगा, राइट, तो पिंक कलर में भी होते हैं और डिफरेंट अलग कलर में भी होते हैं। सो ये अगर आप इसमें डायरेक्ट किसी सरफेस में मारते हैं तो वहां पर उसके डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसको कभी भी डायरेक्ट सरफेस पे नहीं मारना है। और दूसरी बात करते हैं हमारे यहां पर R6 को लेके, जो R6 है, आपको मैं थोड़ी सी डिफरेंट वे में समझाता हूं कि R6 को कैसे याद करते हैं। देखिए, हाउसकीपिंग को हम लोग कैसे एक दूसरी नजर से देखते हैं कि यार हाउसकीपिंग में जाऊंगा यार, मुझे WC साफ करने पड़ेंगे, राइट, यूरिन बाउल साफ करेंगे, बाथरूम साफ करने पड़ेंगे, तो जो आपके WC साफ करने के लिए, यूरिन बाउल साफ करने के लिए ये है R6 का यूज किया जाता है, राइट, तो समझ गए आप, अब नहीं बोलेंगे, आई होप आप लोग नहीं बोलेंगे। और यहां पर दूसरी बात करते हैं हमारे R7 को लेके, कि वो R7 एक ऐसा केमिकल है जिससे कि हम लोग क्लीन करते हैं ऐसे एरियाज को जहां पर ऑयली एरियाज हो या फिर ग्रीसी एरिया हो जहां पर, राइट, तो वहां पर जहां पर अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो आपके किचन है वहां पर ज्यादा ऑयली फर्श होता है, तो उसको साफ करने के लिए यहां पर R7 का यूज किया जाता है। और अगर इसके कलर की बात करता हूं तो ये होता है एक क्रीमी ग्रीन कलर का केमिकल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये है R9। R9 एक हमारा बाथरूम क्लीनर है। अब आप बोलेंगे कि जो हमारा R1 था वो भी बाथरूम क्लीनर बताया आपने, ये भी बाथरूम क्लीनर है। देखिए, R9 एक ऐसा केमिकल है जहां पर भी आपको हार्ड क्लीनिंग करनी है, जहां पर आपको हार्ड वाटर क्लीनिंग करनी है, या फिर मैं बात करूं आपको जो डीप क्लीनिंग करनी है, वहां पर R9 का यूज में लाया जाता है। और अगर अभी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहां पर आपने R1 to R9, बट R8 तो आपने मिस कर दिया, राइट। बिकॉज हमने R8 इसलिए मिस किया, आप लोग यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज मिलेंगे इसके लिए कि आपको इसमें R1 to R9 तक आपको बताएंगे, बट वहां पर R8 का वहां पर कहीं भी जिक्र नहीं होगा, बिकॉज वो एक रेगुलर में यूज में लाए जाने वाला केमिकल नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि R8 एक ऐसा केमिकल है जो आपके आपने देखे होंगे ना, रूम में जो टी केटल्स होते हैं उसमें येलो पट्टी लग जाती है,
राइट, आपके जो भी बॉइलिंग आपके इक्विपमेंट्स हैं राइट, जो आपके रेस्टोरेंट में पानी को बॉइल करने के लिए यूज में लाया जाता है, उसमें आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसके उसमें पट्टी लग जाती है व्हाइट येलो कलर की, उसको क्लीन करने के लिए R8 का यूज किया जाता है और एक येलो कलर का रहेगा और इसको बोलते हैं हम लोग कैटल डिस्कलर, जिससे कि हम लोग जो व्हाइट पट्टी होती है ना उसको साफ करने के लिए R8 का यूज किया जाता है। जिससे कि मैंने इसको इसलिए सेपरेट रखा था कि इसको पूरा मैसअप ना हो, आप इसको अच्छे से समझ पाए इसमें कौन सा डायल्यूशन वाला है, कौन सा रेडी टू यूज है, और जो हमारा R8 का काम है वो एक सेपरेट काम है, उसका अलग काम है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से और आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कीजिए आप लोग को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आप लोग के लिए बहुत ही जल्द टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर सुझाव सजेशन है कुछ आप लोगों के तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।